डॉक्टर्स डे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के चिकित्सकों को संबोधित किया, जिसके तहत गोरखपुर के सीतापुर आई हॉस्पिटल में स्थित आईएमए के अधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को सुना और उनके द्वारा डॉक्टरों को दिए गए संवेदना पर आभार व्यक्त किया। जिसके संबंध में भारतीय चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री ने चिकित्सकों को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में डॉक्टरों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की तथा उनके ऊपर हुए हिंसा की निंदा करते हुए कानून बनाकर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर डे पर डॉक्टरों को संबोधित कर उनकी हौसला अफजाई की है और उन्हें अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन पर शुभकामना भी दी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे, लेकिन हमारे डॉक्टर ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत लाखों लोगों का जीवन बचाया। ये पुण्य कार्य करने के देश के कई डॉक्टर्स अपना जीवन भी न्योछावर कर, मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता। पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह नजरअंदाज किया गया था, इससे तरीकी मृत्यु दर को देखिए, बड़े बड़े विकसित और समृद्ध देशों की तुलना में कहीं समृद्ध किसी के समय उतना ही, लेकिन भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया, जिसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। सबसे अधिक बल दिया पिछले वर्ष फर्स्ट वेव के दौरान हमने लगभग 15,000 करोड़ रुपए हेल्थ केयर के लिए आवंटित किए थे, जिससे हमारे हेल्थ केयर इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी। अब हम ऐसे क्षेत्रों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर सब और विश्वास कई गुना बढ़ते हैं। इसी तरह जब आप लोगों को कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने कहते हैं तो लोग पूरी श्रद्धा से उनका पालन, देश के मेडिकल रिसर्च को एक नई गति भी देगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी सेवा, आपका धर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा। हमारा देश कोरोना से जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे पर इतिहास में पहली बार जो है किसी प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे पर संबोधित किया और उनको कुछ टिप्स भी दिए और कुछ चीज़ें बहुत अप्रिशिएट किया कि डॉक्टर्स ने इस कोविड के कार्यकाल में कितनी अच्छी तरह से काम किया।
और डॉक्टरों के ऊपर जो बढ़ती हुई हिंसा है उसके ऊपर भी उन्होंने अपना विचार रखा और उसके ऊपर भी कड़े कानून तो बना ही दिए गए हैं, उस पर और कड़ाई से पालन हो इस तरह का भी उन्होंने एक आश्वासन दिया। इसलिए आज हम सभी डॉक्टर्स डे पर सभी डॉक्टर्स को बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे डॉक्टर्स को दिया और उनका हौसला बढ़ाया। धन्यवाद।